अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपको पुदीने की चटनी बनाने की रेसिपी दूंगी। पुदीने के साथ साथ मैंने इसके अंदर धनिया भी यूज़ किया है, दोनों चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, तो आज मैं इसकी चटनी बनाऊंगी। उसके साथ ही मैंने इसके अंदर तकरीबन एक बंच मेरे पास कोरिएंडर का था और एक ही बंच मैंने लिया था पुदीने का, मिंट्स का। तो ग्रीन चिली जो मैंने ली है वो तकरीबन 15 टोटल मैंने ग्रीन चिली ली है, क्योंकि चटनी थोड़ी स्पाइसी ही अच्छी लगती है। और मसालों में इसके अंदर मैं डालूंगी ये गार्लिक है, ये देखिए मेरे पास सॉल्ट मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, फुल भर के लीजिएगा, क्योंकि जब आप योगर्ट में शामिल करेंगी तो फिर आपको एक्स्ट्रा और सॉल्ट डालना पड़ेगा। और ज़ीरा मैंने यहाँ पर लिया है, क्यूमिन सीड लिए हैं मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून, और ये मेरे पास लेमन जूस है, आप फ्रेश भी इसके अंदर यूज़ कर सकती हैं। तो इसको आपने पुदीना और धनिए को और ग्रीन चिली को आपने ये करना है कि सबसे पहले इसको अच्छी तरह धोना है, ताकि इसके अंदर जो मिट्टी होती है वो अच्छी तरह से निकल जाए। धोने के बाद फिर आपने इस तरह एक बास्केट में डाल के इसका पानी ड्राई कर लेना है। तो मैं अब इसको ब्लेंडर में डाल के, हैंड ब्लेंडर मैं यूज़ करती हूँ हमेशा ऑलवेज अपनी चटनी के लिए, तो मैं इसको ब्लेंडर में डाल के तो सारी चीज़ों को मिक्स कर दूंगी थोड़े थोड़े करके, क्योंकि इतना बड़ा ये इसका जग नहीं होता, इस वजह से मैं इसको थोड़ा थोड़ा डाल के सबसे पहले मैं इन चीज़ों को ब्लेंड करूंगी, ठीक है। फिर इसके आप थोड़ा थोड़ा कर करके इसके अंदर डालती जाएं और इसको कर लेमन जूस, अगर आपको प्रॉब्लम हो हैंड ब्लेंडर में, ज़रूरी नहीं कि आप इसी में करें, आपके पास जग है उसमें कर सकती हैं जिससे आप इजीली करें। तो लेमन जूस मैं ऑलवेज आइडिया से ही डालती हूँ, लेकिन आपको बताती चलूँ कि आप तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून जो है वो फुल भर के इसके अंदर ऐड कीजिएगा। हाफ मैंने इसको देखिए ग्राइंड कर लिया, मैं ये सारे जो मसाले हैं आप इसके अंदर डालूंगी ताकि ये भी अच्छी तरह से। यहाँ पे मैंने ये देखिए इसको चॉपर में कर लिया था, अच्छी तरह हैंड ब्लेंडर से बारीक कर ले, सही अच्छी तरह कीजिएगा कि बहुत ही बारीक होनी चाहिए चटनी, जब आप दही में शामिल करें तो जो धनिया और पुदीना है वो आपका लहदा लहदा नज़र ना आए। तो माशाल्लाह रमज़ान का महीना जो है वो शुरू हो चुका है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को चटनियाँ बनाने की रेसिपी दे दूँ। ये वाली मेरी फर्स्ट चटनी है, सेकेंड मैं आपको बताऊँगी इमली की चटनी कैसे तैयार की जाती है। तो रमज़ान में ये होता है कि टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम लोग ये काम साथ साथ रोज़ाना करें, आप ये कर सकती हैं इसको चटनी एक ही दफ़ा बना के, तो आप छोटे छोटे कंटेनर में इसको फ्रीज़ कर लें और रोज़ाना एक कंटेनर जो है वो आप सुबह निकाल के तो रख दिया करें, ताकि शाम को इफ्तारी के टाइम आप वो दही में मिक्स करके आपके लिए आसानी हो और वो आप यूज़ कर सकती हैं। तो जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये आपको पुदीना और धनिया की चटनी की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी।